बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोकर और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नए व्लॉग के साथ। और ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको जिस इलाके की सैर करा रहा हूं वो सैयदों की बस्ती है और मलीर के इलाके में वाक़ है। जी हां, मैं आपको आज जाफर तैयार हाउसिंग सोसाइटी में लेके आया हूँ और हम इस टाइम गाज़ी चौक पर हैं। ये है गाज़ी चौक और हम अब रवा दवा हैं जाफर तैयार हाउसिंग सोसाइटी के मेन शाहरा पर। बहुत वसी औरीज़ ये सोसाइटी है, ये आबादी है और यहाँ पर सिर्फ अहले तशय्यु हज़रात ही रहते हैं और ये एक ही कम्युनिटी की आबादी है और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इसको प्लान करके बनाया गया था। बहुत ख़ूबसूरत है और यहाँ पे देखें, ये मेन रोड है जिसको बहुत कुशादा डिज़ाइन किया गया है और इसी रोड के इख्तिताम पर आप देख रहे होंगे मरकज़ी इमाम बारगाह, वहाँ तक भी लेके चलते हैं। ये जाफर तैयार लाइब्रेरी है जिसमें ख़वातीन के लिए भी लाइब्रेरी का एक हिस्सा मखसूस है। ये है मरकज़ी इमाम बारगाह, तो हम यहाँ तक भी आपको लेके चलते हैं। और ये जाफर तैयार सोसाइटी की सबसे बड़ी मरकज़ी मस्जिद, दोस्तों वीडियो को देखें और अंदाज़ा करें कि कितनी ख़ूबसूरत ये वीडियो है। और देखें माशाल्लाह, ये मरकज़ी इमाम बारगाह का फ्रंट है शबीए ज़ोरा। ये है जाफर तैयार हाउसिंग सोसाइटी की मरकज़ी इमाम बारगाह। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ये मरकज़ी इमाम बारगाह के साथ ही आलम शरीफ, और अब हम यहाँ से होते हुए जाफर तैयार की मुख्तलिफ गलियों से आपका नज़ारा करवाते हैं, सैर कराते हैं जाफर तैयार हाउसिंग सोसाइटी मलीर। दोस्तों मेरे साथ रहिए और वीडियो को मुकम्मल देखिए। और जो दोस्त इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं जाफर तैयार सोसाइटी पे बनाऊं तो मुझे बताइएगा कि इस इलाके में कौन कौन सी ख़ास जगह हैं जहां पे मुझे जाकर के वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो लोग जाफर तैयार सोसाइटी में जा नहीं सकते, जो लोग लाहौर में बैठे हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो भी इस इलाके को देख सकें। जाफर तैयार सोसाइटी की फरमाइश मेरे एक सब्सक्राइबर ने की थी और ख़ास तौर पर मरकज़ी इमाम बारगाह के फ्रंट को फिल्माने का कहा गया था, उसकी वीडियो बनाने का कहा गया था, जो कि मैंने कोशिश की है। दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो मैं फिर इस वीडियो को दोबारा भी बनाकर उसकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकूंगा। अभी हम माशाल्लाह बहुत अच्छी आबादी है, बहुत ख़ूबसूरत मकान है और यहां से अब हमें गली से निकल के उल्टे हाथ पर खुमैनी हॉस्पिटल की तरफ मुड़े हैं और ये आगे खुमैनी अस्पताल है।
सामने होमनी हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है। और सीधे हाथ के ऊपर जामा मस्जिद फारूक आज़म है और उल्टे हाथ पे खुमैनी हॉस्पिटल का मेन गेट है। ये जाफर तैयार सोसाइटी नादे अली से जाफर तैयार सोसाइटी गाजी चौक की तरफ जाने के लिए ये गली इख्तियार की जाती है। इस सड़क के ज़रिए आप जाफर तैयार सोसाइटी के गाजी चौक तक पहुंच सकते हैं। अब हमने वहां से अपना रुख मोड़ा है और नादे अली, ये नादे अली स्टॉप है और सीधे हाथ पे जामा मस्जिद फारूक आज़म है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा नादे अली स्टॉप पर, और वीडियो को ज़रूर देखें और इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।